Hi everyone, I am Shavi. Welcome back to my channel. This is my second lecture of Indian Evidence Act. In this lecture, I will be clearing or explaining what is the difference between proved, disproved. What is the meaning of the term not proved? Disproved, not proved को आप अगर आप देखो, अगर आपको नहीं पता इसका मतलब, तो ordinary prudent man ये समझेगा कि ये दोनों same terms है, but still there's a difference between the two. So, अब let's begin. अगर हम पहले proof की बात करते हैं, तो proved में देखो, जैसे अगर आपके पास अगर मान लो सपोज अगर आप किसी के आपने देखा कहीं पे लड़ाई हो रही है और आप वहां पे गए, दो इंसान जो है वो लड़ रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे, और आप ऐसा तो नहीं है आप एकदम से देखते ही आपको कोई नहीं पता उनकी क्या लड़ाई है, क्या उनका किस बात पे वो लड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता. क्या ऐसा होता है कि आप फालतू में किसी की भी साइड लेने लग गए? नहीं ना. आप पहले क्या करोगे, आप पहले पूछोगे कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, क्या किस वजह से लड़ रहे हो. फिर बाद में जो है एक इंसान अपने फेवर में बातें बताएगा, फिर दूसरा इंसान अपने फेवर में बातें बताएगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि हाँ कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. तो ये सारी चीजें जो है फिर आप डिसाइड करोगे आप दोनों पार्टीज की सुनने के बाद. तो ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जब कोई डिस्प्यूट कोर्ट के पास जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जज एकदम से शक्ल देखते ही जो है जजमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं है. दोनों पार्टीज को जो है अपने एविडेंस लाने पड़ेंगे, अपना जो केस है अपने फेवर में प्रूव करना पड़ेगा, फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके जो है उनको अपने फेवर में जो है जजमेंट मिलेगी. तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम फैक्ट्स को प्रूव करते हैं, हम एविडेंस लेके आते हैं, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो फैक्ट प्रूव्ड होंगे या फिर जो है डिसप्रूव होंगे. प्रूव की अगर हम बात करें तो प्रूफ में ये होता है कि जब आप एविडेंस लेके आओगे तो जज ये समझेंगे कि हाँ ये जो फैक्ट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ट्रू फैक्ट्स. या फिर एग्जिस्ट भी अगर कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं भी है, तो लेकिन जज ये मानेंगे कि जी नहीं, उस सर्कमस्टांसेस में, उस सिचुएशन में जो ऑर्डिनरी इंसान है, जो प्रूडेंट मैन है, वो ऐसे ही एक्ट करेगा. तो ये तो जो है प्रूव माना जाएगा. अब बात आती है डिसप्रूव की. डिसप्रूव में आता है कि जज या फिर कोर्ट ये मानता है कि ये जो फैक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी रीजनेबल मैन जो है ऐसा नहीं करेगा. जब हम प्रूव की बात करते हैं तो एक है कि एक पार्टी अपना प्रूव कर रही है, अगर किसी दूसरे इंसान को वो फैक्ट्स अगर नहीं लग रहे सही, तो वो जो है उसको क्या करेगा, डिसप्रूव करेगा. तो ये तो था प्रूव एंड डिसप्रूव. प्रूव मैंने बता दिया, और जो डिसप्रूव है वो एकदम ऑपोजिट है प्रूव. ये नॉट प्रूव कौन से होते हैं? सो नॉट प्रूव वो फैक्ट्स होते हैं जो कि ना तो प्रूव किए हुए हैं ना ही डिसप्रूव किए गए हैं. नॉट प्रूव एकदम ही अलग है, दे आर नीदर प्रूफ नॉर डिसप्रूव. सो ये तो थे प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं बताऊंगी, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होती है जब हम एविडेंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रेजम्पशन. जैसे मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ये सारे आज मैं बताऊंगी. सो प्रिजम्पशन, जैसे प्रिजम्पशन क्या होता है कि आप जो है कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो है आपका रिंग अगर चोरी हो गई, आपको पता है कि एक कोई है इंसान, वो जो है चोर आपको लगता है, आपने उसको बहुत बार चोरी करते हुए भी देखा है, और आपकी जब वो रिंग चोरी हुई और आपने जो है नेक्स्ट डे उसी के हाथ में देखी, या फिर अगर नहीं भी देखी, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा यार उसी ने चोरी करी. तो ये क्या आपके दिमाग में एक प्रेजम्पशन बन जाती है, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ हो जाता है. सो दिस इज प्रेजम्पशन. प्रेजम्पशन कैसे हम ड्रॉ करते हैं? हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ देखते हैं, जैसे कि हम मतलब कि पूरा जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, या फिर कोई कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको जो है मद्देनजर में रखते हुए हम जो है प्रेजम्पशन ड्रॉ करते हैं. जैसे हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि अभी ये दिन है, दिन के बाद जो है रात होगी, तो ये प्रेजम्पशन है. मतलब कैसे हम हमेशा देखते आ रहे हैं, हम प्रेजम्पशन भी कैसे ड्रॉ करते हैं, जो हम चीज़ें मोस्टली जनरली हम देखते हैं कि होती ही होती है, दिन के बाद जो है रात होती ही होती है. सो दिस इज प्रेजम्पशन. फिर उसमें प्रेजम्पशन जब हम एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ. पहले अगर हम मे प्रज्यूम की बात करते हैं, तो मे प्रज्यूम अगर कहीं पे भी लिखा होगा ना, तो मे प्रज्यूम में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो उस पर्टिकुलर फैक्ट को या तो प्रूव मान सकते हैं या फिर डिसप्रूव मान सकते हैं, या फिर अगर क्या बोलते हैं उसको टोटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस फैक्ट को. मे प्रज्यूम में जो है टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट इज फ्री, कोर्ट को एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से देख लो कि इन सर्कमस्टांसिस में इसको प्रूव मानना चाहिए या फिर इसको डिसप्रूव मानना चाहिए, या फिर आप अगर प्रूव मान रहे हो तो आप जो है
किसी दूसरी पार्टी को भी बुला सकते हो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए. सो मे प्रिज्यूम इज फ्लेक्सिबल, उसमें द डिस्क्रिप्शन इज गिवन टू द कोर्ट वेदर यू वॉन्ट टू प्रिज्यूम इट एज प्रूफ और नॉट प्रूफ, या फिर वो पार्टी को भी बोल सकते हैं कि जो है आप इस फैक्ट को प्रूव करो. अब बात आती है शैल प्रिज्यूम की. शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन बिल्कुल भी नहीं होती, डिस्क्रिशन नहीं होती. और शैल प्रिज्यूम में ये होता है कि कोर्ट के पास एक तरीके से एक कंपल्शन होती है, या फिर एक तरीके से मान लो कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दैट फैक्ट. मतलब जहां पर भी शैल प्रिज्यूम होगा ना तो उसमें कोर्ट को वो फैक्ट मानना ही पड़ेगा. या फिर अगर दूसरी पार्टी चाह रही है, ऑपोजिट पार्टी चाह रही है कि इस फैक्ट को प्रूव करना, हाँ वो अलाउ कर सकती है कोर्ट, लेकिन अगर दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव करना नहीं चाह रही तो कोर्ट को जो है उसको एज अ प्रूव्ड मानना पड़ेगा, दैट इज शैल प्रिज्यूम. तो यही डिफरेंस था मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में, कि मे प्रिज्यूम में जो डिस्क्रिशन होती है कोर्ट के पास कि उनको एज अ प्रूव इसको इसको एज अ प्रूव्ड फैक्ट मतलब कि देखना है, या फिर उसको एज अ डिसप्रूव फैक्ट मानना है, या फिर उसको टोटली रिजेक्ट करना है. और जब हम शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं तो शैल प्रिज्यूम में होता है कि कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, कोर्ट इज बाउंड टू ट्रीट दैट फैक्ट एज प्रूफ, लेकिन हाँ अगर कोई दूसरी पार्टी चाह रही है उसको डिसप्रूव करना तो हाँ वो अलाउ कर सकते हैं. लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की, तो कंक्लूसिव प्रूफ में जो है कोर्ट के पास कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को इवन अलाउ भी नहीं कर सकती उसको डिसप्रूव करने के लिए. उसमें ये होता है कि वो जो फैक्ट है वो एज इट इज, अ पत्थर की लकीर है, आप उसको एज इट इज उन सर्कमस्टांसेस में उसको एज प्रूव्ड मानोगे, आप ना ही उसको डिसप्रूव करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को बुला सकते हैं और कुछ नहीं करवा सकते. सो दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ. ये डिफरेंस मैं एकदम दोबारा बता देती हूँ कि मे प्रिज्यूम में या तो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है या फिर उसको प्रूफ माने या फिर दूसरी पार्टी को बोले कि इसको प्रूफ करो. और शैल प्रिज्यूम में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो मानेगी इसको प्रूफ, लेकिन अलाउ कर सकती है कोर्ट दूसरी पार्टी को डिसप्रूव करने के लिए अगर दूसरी पार्टी चाहती है तो. लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में ये है कि दूसरी पार्टी इवन उस फैक्ट को डिसप्रूव भी नहीं करती कर सकती, उसको एज इट इज प्रूव्ड माना जाएगा. इसी के उसमें जो है एक चीज आ जाती है, जैसे काइंड ऑफ प्रिजम्पशन आ जाती है. जैसे एक तो होता है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और दूसरा हो जाता है इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. सी देखो, जैसे एक तो होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो होते हैं ऑलवेज रिबर्टेबल, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में दो कैटेगरीज आ जाती है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बेसिकली रूल्स ऑफ लॉ ही होते हैं या फिर पार्ट ऑफ लॉ ही होते हैं, लेकिन उसकी फर्दर दो कैटेगरीज है, दैट इज रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड द सेकंड वन इज इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. रिव्यूटेबल में तो शैल प्रिज्यूम आ जाते हैं, लेकिन इररिव्यूटेबल में कंक्लूसिव प्रूफ आ जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस एंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंडियन एविडेंस.